हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा ऑफिस कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो कैल्क को लेकर के है। कैल्क में क्या खास है? देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर अगर राउंड करवा दिया जाए, अब देखिए ये राउंड कैसे करवाना है आपको, ये हो गया राउंड। अब राउंड किसको करवाना है, तो इसी को करवाना है। अब यहां पर अगर कॉमा दे करके मैं यहां इसे दो अंकों तक राउंड करवाता हूं, सिर्फ दो अंकों तक। ध्यान दीजिएगा, कितने अंकों तक राउंड करवा रहा हूं, दो अंकों तक। किसको राउंड करवा रहा हूं, ये जो B2 के अंदर लिखा गया है 6.89, इसी को राउंड करवा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में आंसर क्या आएगा, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सेम यही वैल्यू देखने को मिलती है। यहां पर देखिए, सेम वैल्यू दो अंकों तक राउंड करवाने पर आपको देखने को मिलती है। अगर इसी को आप 0 पॉइंट तक राउंड करा देंगे, यहां देखिए ये 0 पॉइंट तक राउंड कराएंगे तो ये 6.89 बन जाएगा, 7। क्या बन जाएगा, 7। तो यहां पर देखिए ये 7 आ रहा है, लेकिन यही अगर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके राउंड कराएंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर इसको 9 अंकों तक राउंड करा दिया जाए, यहां से 9 लिख दूं मैं, तो यहां पर भी सेम ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर मैं माइनस में जाता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं माइनस में जाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -1, तो इसको -1 अंकों तक राउंड कराना है। अगर एंटर करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब कारण क्या है 10 बनने का, यहां पर ध्यान दीजिए, F2 करता हूं। अब ये लिखा हुआ है 6.89, ठीक है, -1 अगर लिख देता हूं तो ये बन जाता है 10। लेकिन अगर मैं यहीं पर, अगर यहां पर इसको चेंज करता हूं और -2 लिख देता हूं और एंटर करता हूं, तो ये 10 बन जाएगा, 0, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, आखिरकार 10 क्यों 0, जैसे -1 कर रहे हैं तो यहां पे ये 10 क्यों पहुंच जा रहा है, और जो है इसको अगर मैं -2 कर रहा हूं तो ये 0 क्यों बन जा रहा है, ठीक है। पहले हम आते हैं पहले वाले एक्सप्लेनेशन पर, यानी जो हमारा पहला वाला एक्सप्लेनेशन है, जो कि यहां पे 10 आ रहा है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखते हैं, तो यहां पे 6.89 को -1 अंकों तक राउंड करवाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6.89 है ये क्लोजेस्ट टू 10 है, ठीक है। अब जैसे पीछे जाएगा ये, तो अगर बात करें 0 के, देखिए 2 होता है, दो जो है 10 के दो मल्टीपल्स में आते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है, स्टार्ट 0 से करेंगे और जाएगा कहां तक, 10 तक। तो देखिए 0 क्लोजेस्ट है 6.89 के कि 10 क्लोजेस्ट है, तो जो नियर होगा, जो नजदीक में होगा, वही -1 लिखने पे ये आंसर दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे एंटर करता हूं तो 10 आएगा, लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहां पे 5.59 कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा, तो भी ये क्लोजेस्ट टू 10 ही होगा। तो यहां पर भी क्या आंसर आएगा, 10 ही आंसर आने वाला है आपका। तो यहां पे देखिए मैं लगा के दिखाता हूं, ये यहां पे इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के क्या करेंगे, यहां पर -1 अंकों तक राउंड करवा देंगे, एंटर करेंगे तो भी यहां पर 10 आ रहा है। लेकिन ये जैसे ही 4 वाले में जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं 4.99 कर देता हूं, 4.99, तो ये जो है अब ये क्लोजेस्ट टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो इसको ज्यादा नंबर चलना पड़ेगा तब ये 10 बनेगा, लेकिन ये पीछे जाएगा तो इसको कम नंबर चलना पड़ेगा, दैट्स वाई ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं राउंड लिख करके और इसको -1 अंकों तक राउंड कराता हूं तो यहां पे आएगा 0, क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे एंटर करने पे देखिए वही 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये राउंड की कहानी है, और इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, ठीक है। अब अगर बात करें, राउंड लिखता हूं मैं फिर से, और फिर लिख करके और वापस वही से यहां पर कुछ लिख देता हूं, लाइक सपोज कीजिए 9.9 लिख देता हूं और कॉमा लगाता हूं और इसको -2 अंकों तक राउंड करा दूं, तब क्या आएगा, तो अगर -2 अंकों तक राउंड कराएंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये -2 अंकों तक राउंड कराने पर 0 क्यों हो जा रहा है, यहां पे तो 9.9 है, ठीक है, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये लिखा हुआ है 9.9, ठीक है। अब 9.9 लिखा हुआ है तो इसके दो जो है मल्टीपल्स बनेंगे, एक तो 100 बन जाएगा और एक 0 बनेगा। तो देखिए 9.9 के क्लोजेस्ट में 0 है, ठीक है। क्लोजेस्ट में क्या है भाई, 100 तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, क्लोज तो होगा नहीं इसके, लेकिन ये जो 9.9 है इससे क्लोज में क्या आएगा, तो क्लोज में आएगा आपका 0। तो इसीलिए एंटर करने पर यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको जवाब इसी तरीके से देना है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, यहां पर अगर मैं फिर राउंड करता हूं, ROUND राउंड लिखा हमने और यहां पे 3.35 लिखते हैं, ठीक है,
फिर कॉमा लगाते हैं और इसको माइनस थ्री अंकों तक राउंड कराते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जब भी माइनस में होता है तो लेफ्ट साइड से वो राउंड करता है, ठीक है। माइनस में जब हो जाता है तो वो लेफ्ट साइड से राउंड करता है। तो एक तो क्लोजेस्ट इसके जीरो बनेगा, ठीक है, एक तो क्लोजेस्ट इसके जीरो बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, टेन बनेगा। तो ऐसे में आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जीरो ही आएगा क्योंकि क्लोजेस्ट जो है यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज, ये जो माइनस थ्री है इसके जगह पे यहाँ पे अगर 5.35 होता तो क्या होता, तो तीन अंकों तक ये जाता, ठीक है, तीन अंकों तक जो करीब होता वही जाता, तो अभी भी जीरो ही है। लेकिन अब देखिए, अब अगर मैं चेंजेस करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर चेंजेस कर देता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं 100 लिख देता हूं, 100.35, तो अगर एंटर करेंगे तो भी जीरो आएगा। लेकिन इसके जगह मैं 1000 कर देता हूं, 1000.35, तो एंटर करेंगे तो यहां 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 जो है 1000 के नियरेस्ट है, 1000.35 1000 के नियरेस्ट है ना, तो इसी वजह से 1000 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।